नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। उसके सिवा किसी और को चाहना मेरे बस में नहीं, ये दिल तो उसका है, अपना होता तो बात और थी। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए अब शुरू करते हैं। शेर अपना शिकार करते हैं और हम अपने एटीट्यूड से वार करते हैं। मेरे वाला थोड़ा लेट आएगा लेकिन जब भी आएगा तो लाखों में एक आएगा। आपका समय भी आएगा, अभी नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आएगा तो जीत चारों ओर से आपकी ही होगी। माना कि तू किसी रानी से कम नहीं, लेकिन वो रानी ही क्या जिसके राजा हम नहीं। बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देते हैं हम, अपने आधे दुश्मनों को तो बस यूं ही जला देते हैं। आपको भी अपने दुश्मनों से घबराना नहीं है और ना ही लड़ना है, बस अगर उन्हें जलाना है तो आप खुश रहिए, वो अपने आप जल जाएंगे। हमसे जलने वाले भी कमाल के होते हैं, महफिल तो खुद की होती है लेकिन चर्चे हमारे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो है लकी कलर बन रहा है आज का बैंगनी, और भाग्यशाली अंक यानी कि लकी नंबर रहने वाला है आज के लिए नंबर 8। आपके जो स्तर हैं वो कहते हैं कि जब काम अपने हिसाब से ना हो रहा हो या मन चाहे प्रगति हमें ना मिल रही हो, हम किसी की ना किसी को अपनी सफलता के लिए जिम्मेदार ठहराते ही हैं। आपका यही स्वभाव आज आपकी प्रगति के लिए बाधा ला सकता है, इसलिए जो है आत्मनिरीक्षण आत्म परीक्षण करें। किसी और के प्रति व्यक्तिगत टिप्पणी देने से आपको परहेज करना होगा। आप विवादों में उलझ सकते हैं अगर आप ऐसा करेंगे। परिवार के बुजुर्ग स्त्री के साथ वाद विवाद आपका हो सकता है जो कि आपको नहीं करना चाहिए, इस बात पर आपको सावधानी बरतनी है। अपने लफ्ज़ों का सही सोच समझकर इस्तेमाल कीजिएगा। आज आपको जो है अपनी मेहनत के अनुसार काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपका मन बहुत ही खुश हो सकता है। आपको कहीं नज़दीकी रिश्तेदारों से कोई सुखद परिणाम या खुशी वाली न्यूज़ वगैरह मिल सकती है, जैसे कि किसी के घर में जो है नया मेहमान आ सकता है या फिर किसी की शादी वगैरह का माहौल बन सकता है, तो इसकी वजह से आपको बहुत ही खुशी हो सकती है। नाक कान गले की अगर कोई पुरानी समस्या चल रही थी तो आज जो है बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि आपको उससे राहत मिल सकती है। आज आपके इम्पॉर्टेंट कामों में घर के वरिष्ठ व्यक्तियों का सहयोग आपके लिए भाग्य उदयदायक वातावरण तैयार करेगा। हास परिहास और मनोरंजन में भी काफ़ी समय स्पेंड कर पाएंगे। आपकी बढ़ोतरी होगी, काम करने की जो स्पीड है वो बहुत ही बढ़िया रहेगी। किसी तरह की जल्दबाजी से आपका काम थोड़ा बहुत बिगड़ सकता है, आराम से काम करें। साथ ही में क्रोध की स्थिति भी आज बन सकती है, आपको बचाव करना है क्रोध से। अपनी ऊर्जा का पॉजिटिव तरीके से उपयोग करें। आर्थिक मामलों में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको हर चीज़ पर आज फोकस करना है कि कौन क्या कर रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए आप बहुत ही हद तक जल्दी प्रगति कर सकते हैं अपने बिजनेस में। साथ में आज अपने काम को केवल पूरा कर देने या फिर आपका लक्ष्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि बस आपको कंप्लीट करना है, बल्कि आपको उसे हासिल करना है। उस काम के ज़रिए आपको मानसिक समाधान की प्राप्ति हो, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए कि हाँ ये मैंने काम किया है, अब मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है। आज अपने काम को और भी बढ़ाने का प्रयास जारी रहेगा। विदेश में काम करने के लिए या विदेश से जुड़ा काम करने की इच्छा अगर है तो आज आपकी और भी प्रबल इच्छा ये बन सकती है। यकीन मानिए आने वाले दिनों में आप ये काम कर ही लेंगे। अपने काम और पारिवारिक जीवन को आप योग्य तरीके से बैलेंस बनाए रखिएगा। काम और परिवार के साथ साथ आपको व्यक्तिगत जीवन के प्रति आपको ध्यान देना है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जीवन में कुछ ना कुछ अपने लिए भी करना है। कुछ रचनात्मक करने संबंधी योजनाएँ बनेंगी, उन पर कार्य होगा। कुछ लोग आपको आज जो है वो चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, लेकिन आप उनको स्वीकार करेंगे और सफलता भी हाथ में आपकी लग सकती है। आज धार्मिक क्रियाकल्पों के प्रति रुझान रहेगा, काफ़ी हद तक आप इन्हीं चीज़ों में बिजी रहेंगे। विरोधियों के द्वारा कुछ मुश्किलें सामने आज आ सकती हैं, साथ में अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इनसे कैसे विजय प्राप्त करते हैं। आपके पास योजनाएँ तो बहुत हैं लेकिन उन्हें क्रियान्वित कैसे करना है, इसमें आपको मुश्किल आ सकती है कि कैसे इसको प्रैक्टिकली लाना है। चलिए बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर की। तो कार्यस्थल पर
जितनी मेहनत करेंगे उसी की ज़्यादा उसी से रिलेटेड आपको जो है बेनिफिट्स मिल सकते हैं। किसी नज़दीकी मित्र की सलाह आपके लिए ठीक ठाक रहेगी। किसी भी दिक्कत में अनुभवी व्यक्तियों के साथ आपको विचार विमर्श करना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो ज़रूर परामर्श लें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। व्यापार से जुड़े लोग अपना काम जो है विदेश तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे जो है बहुत ही हद तक फ़ायदा मिल सकता है, आमदनी भी बढ़ेगी और बहुत से जो है चीज़ों का समाधान मिल सकता है। सहयोगी और कर्मचारियों के साथ चल रहा कोई मतभेद आज खत्म होगा। कंप्यूटर और मीडिया से जुड़े व्यवसाय में कुछ अवसर प्राप्त होने की उम्मीद नजर आ रही है। जमीन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की योजना सफल रहेगी, इसलिए इस पर अपना ध्यान जो है ज़्यादा केंद्रित कर अवश्य रखिएगा। साथ ही में आज अपने काम को पूरा करने के लिए गलत रास्ते को मत चुनिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी मानहानि हो सकती है, पद प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है आने वाले कुछ दिनों में। तो आपको जो है हमेशा पॉजिटिव चीज़ें करनी चाहिए, पॉजिटिव लोगों का साथ लेना चाहिए तो ही बेटर रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लव लाइफ की तरफ। तो आज की लव लाइफ कहती है कि परिवार में जो है सुख शांति बनी रहेगी। विवाह के जो इच्छुक व्यक्ति हैं उनके लिए आज कोई बेटर समाचार मिल सकता है, जिससे आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। इसी के साथ ही वैवाहिक जीवन में आपका वर्चस्व बना रहेगा। आज लव लाइफ में प्रगति के लिए अपने अंदर क्या बदलाव लाना जरूरी है, इस बात पर जरा गौर फरमाइएगा। खुद के अंदर अगर बदलाव लाएंगे और मॉडर्न जो अभी समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बदलेंगे तो बहुत ही यकीन मानिए आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, आपसे कई लोग खुश भी हो सकते हैं। साथ में आज सितारे ये भी कहते हैं कि घर में किसी मुद्दे को लेकर आज तनाव उत्पन्न भी हो सकता है। माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए आज कुछ मनोरंजन एक्टिविटी ज़रूर करें, जिससे कि घर का माहौल बेटर बना रहे। चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो आज गिरने से आपको बचना होगा, चोट लग सकती है। अगर कोई मशीनरी वगैरह चलाते हैं, कहीं कारखाने में काम करते हैं तो ज़रा ध्यानपूर्वक चलाइएगा, चोट लग सकती है किसी प्रकार की। साथ में आज कई स्वास्थ्य में अगर कुछ समस्याएं चल रही हैं तो उसके बावजूद आप अपना मनोबल नहीं खोएंगे, मनोबल जो है आपका बल लगातार ही बना रहेगा। अगर आपको थायराइड वगैरह है तो आपको जो है इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। एलर्जी से कई लोगों को परेशानी हो सकती है, तो आपको एलर्जी की वजह जाननी होगी और इस चीज़ को अवॉइड करना होगा जिससे आपको एलर्जी होती है। बस आज आपको जो है सेहत का थोड़ा बहुत ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। चलिए अंत में बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आज आपके लिए विशेष उपाय कहता है कि आज आपको जो है किसी को नारियल पानी अवश्य पिलाना चाहिए। साथ में अगर आप कपड़ों का दान करते हैं तो उससे विशेष रूप से फ़ायदा होने वाला है आपके बिजनेस में। और साथ ही साथ में अगर आप किसी को खाना खिलाते हैं या राशन का सामान भी देते हैं तो वो भी बढ़िया रहेगा। यानी कि आज का दिन है दान पुण्य करेगा, और दान पुण्य ज़रूर करें लेकिन गुप्त रूप से, किसी को बताकर मत कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।